कथा कॉन्स्टिट्यूट एटॉमिक न्यूक्लियाई बिलीव, ऐसा माना जाता है भाई। देखा तो कोई कुछ नहीं है न्यूक्लियाई के अंदर, पर सब कुछ प्रूफ है मैथमेटिकली, लॉजिकली और कंसेप्चुलाइज, और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। तो न्यूक्लियाई के अंदर कौन सा इसमें से पॉसिबल होता है, क्या कौन सा माना जाता है? न्यूक्लियाई के अंदर न्यूट्रॉन होता है, ये तो बात फिक्स है। तो क्या केवल न्यूट्रॉन होता है? एक स्पेशल केस है हाइड्रोजन। यार हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी वन होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो होते ही नहीं है, जीरो होते हैं। तो हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई में प्रोटॉन तो जीरो हो गया ना, और इलेक्ट्रॉन इकलौता होता है जो चक्कर लगाता है। तो न्यूक्लियाई में प्रोटॉन तो होते ही होते हैं, तो प्रोटॉन तो होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में न्यूट्रॉन जीरो है। तो कंस्टिट्यूट न्यूक्लियाई आर बिलीव टू बी मेड ओनली प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं, ओनली प्रोटॉन्स नहीं होते हैं, तो ये कहना सही नहीं है। और उसमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है? ये वाली चीज़, ये आसान सवाल था। एक्सप्लेन टू